आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी एक्स को, अपनी क्रश को, या जिस भी लड़की को तुम प्यार कर देते, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसको बुलाना चाहते हो लेकिन बुला नहीं पा रहे हो। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भुलाते कैसे हैं। पटाते तो भाई बताया बहुत बार, लेकिन बुलाते कैसे, आज ये भी बता देते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो जो मैं बता रहा हूं ना प्रैक्टिकल चीजें, इसको अप्लाई जरूर करना। वीडियो देखने का तुम्हारा दो ही रीजन हो सकता है कि या तो बंदी तुमसे पट गई होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई होगी तो तुम उसको छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा हो गया है ब्रेकअप, या तो बंदी पटी ही नहीं होगी। अगर वो पटी ही नहीं है तो इतना तुम जोर क्यों ले मेरे भाई, जब कुछ था ही नहीं, जिसको पाया ही नहीं उसको खोने का दुख कैसा। खैर जो भी है, मैं आपको तीन चीजें बताता हूं, उसको अप्लाई करना और देखना कितना मजा आने वाला है और कितनी जल्दी से तुम उसको भूल जाओगे। पहली चीज है कि try to avoid all the contacts from her। जो भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी जो कि तुम्हें उसकी याद दिलाता है, उस सबको हटा दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैलरी में पड़ी कुछ पिक्स, कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि तुम्हें उसकी याद दिलाते हैं, और तुम बार बार याद करते हो कि भाई एक टाइम ये था, हम ये करते थे, हमने ऐसी बातें की थी, वो किया था, ये किया था, लेकिन अब तुम्हें उसको भुलाना है तो तुम भूल क्यों नहीं रहे हो, तुम बार बार देख क्यों रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी पिक्स है उनको डिलीट करो, मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद क्या करना है, फेसबुक पे है तो अनफ्रेंड करो, अगर इंस्टाग्राम पे है तो अनफॉलो करो, व्हाट्सएप पे है तो नंबर डिलीट करो, या जो भी कुछ हो सकता है हटा दो। और तो और तुम कॉल करना बंद कर दो, मैसेजेस करना बंद कर दो, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है, अगर फायदा होना होता तो हो जाता। और यही चीजें नहीं, तुम्हें अपने आप उसकी याद भी आने लग जाएगी। अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो तुम्हें उसकी याद आएगी कि यार मैंने ये किया था, फिर ये हुआ था, फिर मैंने वो बोला था, फिर उसने ये बोला था, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और अचानक से याद आएगा कि नहीं, ऐसा कुछ तो अब है ही नहीं। तुम अचानक से देखोगे कि तुम्हें उसके बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी कहानियां होती हैं, तुम उसको बताने में, उसको सुनने में बहुत ही मजा आता है। तुम अपने दोस्तों से बार बार उसके बारे में बात करने लग जाते हो, चाहे बुराई करते हो, चाहे अच्छाई बताते हो, जो भी करते हो, लेकिन टॉपिक वही होती है। अब तुम एक बात बताओगे, उसके टॉपिक पे बात करोगे, उसकी कहानियां बताओगे, उसके बारे में याद करोगे, और तुम ये भी सोच रहे हो कि तुम उसको भूल जाओ, तो क्या मुमकिन है? ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो ठीक है भाई, अगर 5-10 मिनट के लिए याद आती है तो नॉर्मल है, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर और ही ज्यादा आए जा रही है तो उसका थॉट दिमाग से हटाओ और अपने आप को बिजी करो। दूसरी यहां पर बात है कि भूलने की कोशिश करना बंद कर दो। देखो क्या होता है कि तुम जिस चीज को जितना ज्यादा अपने आप को करने से रोकोगे, उतना ही ज्यादा तुम काम करोगे। और एक और चीज याद रखो कि कोई भी चीज भुलाई नहीं जा सकती, उसका इंपैक्ट कम किया जा सकता है लेकिन भुलाई नहीं जा सकती। तुम ये वीडियो देख रहे हो और 5 मिनट बाद में तुमको कहूं कि भाई मैंने तुमको जो भी बताया है, तुमने जो भी सुना हो, तुम सब भूल जाओ, तो क्या मुमकिन है? जी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या साल भर बाद तुम इस वीडियो को भूल जाओगे, तुम्हें घंटा याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या बताया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसका जो इंपैक्ट है वो खत्म हो गया। तो कोई भी चीज भुलाई नहीं जा सकती है, बल्कि उसका जो इंपैक्ट होता है वो धीरे धीरे टाइम आते आते खत्म हो जाता है। और एक और चीज बताओ कि क्या तुम्हें उससे पहले कोई लड़की पसंद नहीं आई थी? थोड़ा रुको, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें उससे भी पहले लड़कियां पसंद आई थी, तुम उनके पीछे भी पड़े रहे होगे, वो भी नहीं पटी होंगी या पट भी गई होंगी तो ब्रेकअप हो गया होगा, तुम उनको भी तो भूले ना। क्यों भूले पता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिली, जो ये वाली थी वो उससे अच्छी थी, तो तुमने क्या किया, उसको भुला दिया क्योंकि ये अच्छी थी। और भुलाने से मेरा बार बार मतलब यही है कि तुम कंप्लीटली अचानक से किसी को नहीं भुला सकते। चीजें बनने में टाइम लगी थी तो भाई बिगड़ने में भी टाइम लेती है। शायद उसके लिए बहुत ही आसान रहा होगा तुमको भुलाने में, लेकिन तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे तो भुलाने में भी भैया कोशिश तो लगेगी ही। तो भाई लड़की को कंप्लीटली भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जो उसका इंपैक्ट है वो कम किया जा सकता है। यही ले आता है हमें थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कि अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करो। अब यहां पर भाई मैं वही तुम्हें चीजें बताऊं कि अपने गोल्स पे फोकस करो, कुछ बनने की कोशिश करो, कुछ बन के दिखाओ, ये करो वो करो, मतलब झंडे गाड़ दो, तो तुम्हें मजा आएगा कि हां भाई मैं ये करके दिखा दूंगा, वो कर दूंगा, अब तो मतलब तीरे छोड़ दूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। 5 मिनट के लिए शायद तुम मोटिवेट हो जाओ, जो कि हर कोई हो जाता है, लेकिन अचानक से तुम्हें उसकी याद आने लग जाएगी और तुम चीजें भूल जाओ। दिन भर में चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, कितनी हवाबाजी कर लो कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाड़ में गई, ये था वो था, छोड़ना हटाना, लेकिन रात में उसकी याद आएगी। शायद तुम उदास भी हो जाओ, शायद तुम रोने भी लग जाओ, तो भाई रात में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कोशिश करो कि जो बातें हैं, गोल्स पे फोकस करना, करियर बनाओ, ये करो वो करो, अगर तुम ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ उसको सुनो, एक नई बंदी पे ट्राई करो। माना कि तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद थी भाई, तुम उसको चाहते थे, शायद वो भी चाहती थी, तुम उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, वाइफ बनाना चाहते थे, बच्चे पैदा करना चाहते थे, लेकिन बहुत कुछ करना चाहते थे, हुआ नहीं ना। अब मैं कहूं कि तुम्हें उस लड़की से अच्छी एक और लड़की मिल जाएगी तो तुम क्या कहोगे? देखो मेरे भाई, तुम्हें कोई चीज तब तक अच्छी लगती है जब तक तुम्हें उससे कोई और अच्छी चीज नहीं मिल जाती। तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुमसे कोई और अच्छा ऑप्शन उसे नहीं मिल जाता। लड़की ने तुमको शायद इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुमसे अच्छा एक और ऑप्शन उसके पास था, इसलिए उसको इतनी मुश्किल नहीं हुई तुम्हें भुलाने में, शायद उसको कोशिश करनी भी नहीं पड़ी होगी, तुमको भूल गई होगी। क्यों? क्योंकि तुमसे अच्छा ऑप्शन उसके पास था। और अगर यही चीज तुम्हारे साथ हो कि उससे अच्छी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाए, तो तुम क्या उसको उतना याद करोगे जितना तुम अभी करते हो? जी बिल्कुल नहीं करोगे।
लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, भुलाया नहीं जा सकता, ये होता है वो होता है। एक चीज कहूं, दूसरी वाली में दम होना चाहिए, पहला प्यार यूं भुलाया जा सकता है। अच्छा एक डील करें, तो मुझे 500 का नोट दो, मैं तुम्हें बदले में 2000 का नोट दूंगा। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बात का गम होगा कि तुमने मुझे 500 का नोट दे दिया फ्री फंड में, या तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि तुम्हें बदले में 2000 का नोट मिला? दूसरी वाली चीज होगी कि तुम्हें खुशी होगी कि भाई तुम्हें 2000 का नोट मिला है। क्यों? क्योंकि 2000 की वैल्यू 500 से ज्यादा थी। तो तुम यही समझ सकते हो कि तुम थे 500 के नोट, उसकी लाइफ में जो बंदा आया है, जो आने वाला है, उसकी वैल्यू है 2000 की, तो तुमसे अच्छा है, तुमसे बेटर है, तो भाई अब क्या ही करे, तुमको भुलाने में टाइम थोड़ी लेगी। वो तुम्हें घंटा याद नहीं करने वाले, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम क्या थे, क्या हो, क्या रहने वाले। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, तुम ये मत सोचो कि बंदी तुमसे ही नहीं पटी है, तुम्हारा ही ब्रेकअप है। भाई बहुत है, 100 में से 98-97 लोगों का ब्रेकअप हो ही जाता है। वो 2-3 होते हैं पता नहीं कहां से आते हैं, जिनकी शादी बच्चे जो होते हैं ना वो हो जाते हैं, लेकिन 97-98 लोगों का तो हो ही नहीं पाता। तो अगर वो लोग ओवरकम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो मेरे भाई वहां जाओ जहां तुम्हें इज्जत मिलती है। तुम वहां पर तुमने अपनी इज्जत बहुत लुटाई होगी भाई, तुम बहुत झुके होगे, तुमने बहुत ट्राई भी किया होगा, बहुत ट्राई करने के बावजूद अगर वो नहीं मानी है तो भाई छोड़ दो, इज्जत इंपॉर्टेंट है बाबू। जहां इज्जत मिले वहां पर जाओ, लाइफ में इज्जत बहुत जरूरी होती है। पैसा, मोहब्बत, प्यार सब होता रहेगा, इज्जत जरूरी है। और बात यह है, असलियत यही है, कड़वा सच यही है कि जहां अपन को इज्जत मिलती है वहां अपन जाते नहीं है, जहां इज्जत नहीं मिलती अपन वहीं जाते हैं। और एक और बात ये भी है कि भाई तुम जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो तुम्हारी इतनी ही इज्जत लूटेगा, तो अपनी इज्जत इतनी ज्यादा भी मत दे दो कि तुम लूट जाओ। जिसको तुमने कभी पाया ही नहीं उसको खोने का डर क्यों रखते हो? क्योंकि वो इंसान तुम्हारा होता, तुम्हारा अपना होता, तुम उसको पा लेते तो आज वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। तो यही असलियत है, ऐसे ही जीना पड़ता है भाई। चीजें खो जाती हैं, खोने दो, लेकिन एक और चीज पाने की तमन्ना रखो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ और फॉलो करो। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ भाई समझना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, तो बिल्कुल वेलकम हो भाई। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटी सी घंटी आती है उसको प्लीज दबा देना, मतलब नोटिफिकेशन आती रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बस ऐसी चलती है जिंदगी।